हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। और आज मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ दोस्तों जो कि मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि ये किसी के साथ भी हो सकता है और किसी दिन भी किसी का बड़ा लॉस हो सकता है। तो आज मैंने ग्रासी में इंट्राडे ट्रेड लिए और मैंने स्टॉप लॉस लगाया और प्राइस उसके ऊपर चला गया, लेकिन मेरा स्टॉप ना तो ट्रिगर हुआ ना तो हिट हुआ दोस्तों। ये मेरे लिए काफ़ी शॉकिंग था। और फिर उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जो कि और भी शॉकिंग था दोस्तों। तो चलिए जान लेते हैं कि ऐसा क्या हुआ मेरे साथ जो कि आप सभी को जानना काफ़ी ज़रूरी है, और इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए और कैसे इस चीज़ों को हैंडल करना चाहिए दोस्तों। तो मैंने ग्रासिम में आज इंट्राडे ट्रेड लिए थे दोस्तों। मैं अपने ऑर्डर से दिखा देता हूँ दोस्तों। मैंने ग्रासिम में 10:50 पे यहाँ पे 20 क्वांटिटी मैंने शॉर्ट की थी, और मैंने अपना स्टॉप लॉस 1763.30 और ट्रिगर प्राइस 1763.20 पे ट्रिगर प्राइस लगाया था। और क्या हुआ कि प्राइस मेरे ट्रिगर प्राइस और स्टॉप लॉस प्राइस के ऊपर चला गया। मैं देख रहा हूँ कि प्राइस 164-165 चल रहा है और मेरा स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा हुआ है, पेंडिंग है, एग्जिट ही नहीं हो रही मेरी पोजीशन, लॉस मेरा बढ़ता जा रहा है फ्रेंड्स। मैं देख के हैरान हो गया। मैंने तुरंत अपनी पोजीशन वाले टैब पे जाके मैंने मार्केट में अपनी पोजीशन तुरंत एग्जिट की, तो 1764 में पोजीशन मेरी एग्जिट हुई। मैंने थोड़ा बोला कि ये क्या, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था फ्रेंड्स कि अचानक से रैली, मेरा स्टॉप लॉस भी नहीं हिट हुआ, प्राइस और लॉस बढ़ते जा रहा है। और फिर उसके बाद कुछ ऐसा हुआ दोस्तों कि जो कि और भी शॉकिंग था मेरे लिए। मैंने जो स्टॉप लॉस लगाया था, जैसे प्राइस उस लेवल पे आया 1763.30 पे आया दोस्तों, तो 20 क्वांटिटी बाय हो गई वहां पे। ये देख के मैं और भी हैरान हो गया फ्रेंड्स, क्योंकि मैं एक जगह तो स्टॉप लॉस ना हिट होने की वजह से लॉस ले चुका था, और अगर फिर से वहां पे 20 क्वांटिटी बाय हो चुकी है बिना विदाउट मेरे प्लानिंग, विदाउट मेरे एक्शन के, तो मैं और पैनिक कर गया दोस्तों। और यहाँ पे क्या हुआ कि प्राइस में थोड़ा मूवमेंट आ रही थी, 164.5 चल रहा था, तो मुझे लगा कि शायद यहाँ पे एंट्री भी हो गई थी 20 क्वांटिटीज से, और मुझे समझ में नहीं आया। मैंने तुरंत अपना स्टॉप लॉस लगाया कि शायद बाइंग, अब तो बाइंग हो ही गई है, चार्जेस लगेंगे तो शायद ट्रेड चल जाए, तो मैंने ऐसे थोड़ा ट्राई किया कि शायद ट्रेड चल जाए, तो मैंने स्टॉप लॉस लगाया। और वो तो था ही दोस्तों कि गलती से ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था, तो स्टॉप लॉस भी उसमें हिट हो गया। इतना सब होने के बाद मेरा मूड काफ़ी ख़राब हो गया था फ्रेंड्स, मेरा लॉस भी हो गया था, तो मैंने तुरंत ज़ीरोधा कस्टमर केयर में कॉल की और मैंने बात की वहाँ पे। तो मैंने उनको क्लियर कंडीशन बताई कि मैंने अपना स्टॉप लॉस लगाया, मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ, मेरा लॉस मैंने मैनुअली पोजिशन एग्जिट की, मेरा लॉस हो चुका, और जहाँ मैं जो मैंने स्टॉप लॉस लगाया था वहाँ पे और बाइंग हो गई और उसको भी मुझे लॉस में एग्जिट करना पड़ा। तो उन्होंने मुझे समझाया कि अगर मान लीजिए प्राइस में काफ़ी फास्ट मूवमेंट आता है और आपका ट्रिगर प्राइस नहीं हिट होता, जैसे यहाँ पे मैंने अपनी बाइंग स्टॉप लॉस लगाया था, मतलब शॉर्ट किया था मैंने, तो यहाँ पे बाइंग का ऑर्डर लगा था, तो अगर यहाँ पे कोई सेलर नहीं मिला, मेरा ऑर्डर ट्रिगर नहीं हुआ इसलिए मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ दोस्तों, यहाँ पे मेरा प्राइस ही नहीं ट्रिगर हुआ इसलिए मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ और प्राइस ऊपर जाता गया। तो उन्होंने कहा कि ऐसा होता है, अगर आपका प्राइस ट्रिगर नहीं होता तो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा और ऐसी कंडीशन में आपका आपका लॉस बढ़ता जाएगा। तो ये सुन के मैं और भी हैरान था कि ऐसे तो काफ़ी लॉस हो सकता है। तो उन्होंने बोला हाँ, अगर आपका प्राइस ट्रिगर नहीं होगा तो लॉसेस बढ़ते जाएंगे। तो उन्होंने इसके लिए सिंपल बताया कि अगर आपका स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ, ट्रिगर नहीं हुआ, प्राइस उसके ऊपर जा चुका है, तो आप अपने ऑर्डर्स वाले ऑप्शन पे आके उसी ऑर्डर्स को मॉडिफाई करके उसे मार्केट पे एग्जिट कर सकते हैं। और मैंने क्या गलती की थी कि मैंने अपने पोजीशन वाले टैब पे जाके वहाँ पे उसको मार्केट पे एग्जिट कर दिया था और मेरा ऑर्डर पेंडिंग रह गया था, जिसकी वजह से तुरंत वहाँ पे बाइंग भी हो गई और मुझे डबल लॉस उठाना पड़ गया। तो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी दोस्तों कि अगर कभी ऐसा होता कि आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होता तो आप लोग अपने ऑर्डर्स पे आके अपने पेंडिंग ऑर्डर्स को मॉडिफाई करके पोजीशन एग्जिट करेंगे, ना कि पोजीशन से। अगर पोजीशन से एग्जिट करेंगे तो आपका पेंडिंग ऑर्डर में आपके स्टॉप लॉस की जगह बाइंग या सेलिंग हो जाएगी, जिससे आपका लॉस और भी बढ़ सकता है। ये तो अच्छा था कि मैंने छोटी क्वांटिटी से मैं ट्रेड कर रहा था, क्योंकि मुझे रिस्की ट्रेड लग रहा था, इसलिए मैं अपने रिस्क रिवॉर्ड के अनुसार काफ़ी छोटा ट्रेड लिया था, तो मेरे लिए तो ठीक था। अगर आप बड़ी क्वांटिटी से करते हैं तो इसमें आपका काफ़ी बड़ा लॉस हो सकता है दोस्तों। तो ये नॉलेज आपको कैसी लगी दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।